आर्किटेक्चर है वो बेस्ट है। ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया गया है हवा महल को। ये सड़क है, रोड चल रहा है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये पीछे का हिस्सा है जो आप देख रहे हो, ये पेड़ खड़े हुए हैं, ये सारा पीछे का हिस्सा है। ये इतना शानदार आर्किटेक्चर यार, देखिए अभी तक आपने बिल्डिंग देखी थी, ये यहाँ पर पूरा नक्शा, पूरा ही मैप, पूरा ही ये आर्किटेक्चर जो बना रखा है। देखो पेड़, बेंच, ये लोग घूम रहे हैं, शानदार। और किस तरह से ऊंचाई से नीचा ये इस तरह से पूरा डिजाइन है। सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग देखते हैं, कोई पुराना ऐतिहासिक महल देखते हैं, कोई धार्मिक स्थल देखते हैं, कोई पुराना जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो सबसे बड़ी बात ये आती है दिमाग में हमारे कि आज की डेट में कितना ज़्यादा हम बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक, तमाम इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ सिविल से, और कई सारी ट्रेड्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक, सिविल, मैकेनिकल बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उस तरह की आज भी आर्किटेक्चर तैयार नहीं कर पा रहा है कोई। आप सोच सकते हो तब ये ना डिग्रियाँ थी किसी भी टाइप की, कोई बीटेक की, बीए की डिग्री नहीं थी इंजीनियरिंग की, लेकिन उस टाइम भी ये इंजीनियर कमाल के हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद बस यही समझ में आता है कि ज़िंदगी में डिग्री सब कुछ नहीं है, जो आपका ब्रेन है ना वो बहुत कुछ कर सकता है बिना डिग्री के। तो इन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होती थी पहले बीटेक की, कोई इंजीनियर नहीं था, ये सब ऐसे इंजीनियर हुआ करते थे जो सीखते थे, लर्निंग करते थे और कमाल के इंजीनियर हुआ करते थे दोस्तों। और इन्हीं इंजीनियर्स को आज हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस तरह से ये लोग डिजाइन किया करते थे। हम लोग अपने इंजीनियर्स को पढ़ा रहे हैं। सैकड़ों साल पहले की ये डिज़ाइन है, आज ही पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये हवा महल का फ्रंट है, ये आप देख रहे हो, ये हवा महल का फ्रंट है और पीछे आपने देखा था वो बैक साइड थी। ये हवा महल का फ्रंट है, ये सामने से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये रोड है, मेन रोड, और पीछे का फ्रंट आपने देखा था। अभी हम यहीं पर थे, हवा महल ऊपर चढ़े थे, पका नहीं तो आपको ग्रीन कलर की दिख रही हैं सारी खिड़कियाँ। ये देखिए जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर की बिल्कुल लग रही हैं वो सारी खिड़कियाँ।
ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह प्रताप मंदिर 1778 ईस्वी से 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक के रहे ये प्रताप मंदिर इन्होंने बनवाया महाराजा सवाई प्रताप सिंह का निजी कच्छ जिसमें उनके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण सुबह हम प्रतिमा एकांत में भक्ति हेतु स्थापित थी। अनन्य भक्त थे सवाई प्रताप सिंह एक महान कवि व श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका यह खड़ा पुतला प्रभु के प्रति प्रेम व विश्वास को दर्शाता है। हाथ में कलम से प्रतीत होता है कि प्रभु वंदना में अभी कविता की रचना की एक भक्तिभावपूर्ण सिंगल भाषा की स्वयं रचित कविता में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल और श्री कृष्ण के बारे में इस प्रकार लिखा है। हवा महल थाटे की ओर सब समझो यह भाव राधा कृष्ण सिद्धारसी दरस परस का भाव। प्रताप मंदिर के बाहर बरामदा शुभम भवंतु के नाम से जाना जाता है जिसका अभिप्राय शुभ शांति होना है। इसे लताओं एवं पुष्पित पौधों से सजाया जाता था जिससे जिसे कृष्ण भक्ति हेतु एक सुगंधित मनोरम वातावरण बन सके। आकर्षण लकड़ी एवं धातु निर्मित दरवाजे इस शाही कच्छ की शोभा को और मोहक बनाते हैं। ये है दोस्तों सामने आपको बढ़ाई ये देखिए ये मोर के पंख है ये इनकी फोटो है और ये है राजा सवाई सिंह राजा सवाई प्रताप सिंह ये इनका पुतला स्टैचू है राजा सवाई प्रताप सिंह। ये वही इंग्लिश में लिखा हुआ